दोस्तों 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जब स्थाई मंदिर में अस्थाई मंदिर से स्थापित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे रामलला, तो उसके बाद जो पूजा पद्धति है वो उसमें बदलाव कुछ होने जा रहा है। आखिर क्या बदलाव होगा इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, राम जन्मभूमि परिसर में स्थित अस्थाई मंदिर में अभी तक जो पूजा की पद्धति है वो अयोध्या की अन्य मंदिरों की तरह पंचोपचार विधि यानी कि सामान्य तरीके से होती है। यानी कि अभी तक जो अस्थाई मंदिर में भगवान रामलला की जो पूजा चल रही है वो एक सामान्य तरीके से की जा रही है, जिसमें भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना या फिर सामान्य रूप से पूजन उनका करना, आरती, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जिस तरह से सामान्य एक आरती होती है, सामान्य पूजा पाठ होता है, उसी तरीके से भगवान रामलला की जो पूजा पाठ है वो अभी तक की जाती रही है। लेकिन जब नए मंदिर में भगवान रामलला स्थापित हो जाएंगे तो नए मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन सब में बदलाव किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामानंदीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ होगी। अब रामानंदीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कैसे होगी, तो देखिए, मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और सेवादारों के लिए रामानंदीय पूजा पद्धति से रामलला की पूजा आराधना का विधान किया जाएगा। अब इसमें इन सभी के वस्त्र पहनने के तरीके समेत पूजा की कई चीज़ें निर्धारित होंगी। इसके साथ ही हनुमान चालीसा की तरह रामलला की स्तुति के लिए जो नई पोथी है, यानी जिसको किताब आप कह सकते हैं, नई पोथी होगी। इसके साथ ही जिसकी रचना हो भी चुकी है और उसे अंतिम रूप देने पर काम भी चल रहा है। इसके साथ ही पूजा पद्धति में बदलाव और पुजारियों के आचार व्यवहार में परिवर्तन के साथ योग और प्रशिक्षित अर्चकों की आवश्यकता भी होनी है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अतिरिक्त अन्य 6 मंदिर भी होंगे, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण चल रहा है तो वहाँ पर जो मेन मंदिर होगा रामलला का, उसके अलावा अन्य 6 मंदिर भी आपको नजर आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री रामभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि अर्चक प्रशिक्षण नाम से एक प्रशिक्षण सत्र भी चलाने जा रहा है। इसमें चुने गए लोगों में से श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत परिसर में बनाए गए अन्य मंदिर पुजारी और सेवादार यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि जो अभी आवेदन मांगे गए हैं पुजारियों की नियुक्ति के लिए, ये इनको प्रशिक्षण बाकायदा दिया जाएगा और उसके बाद इन सभी मंदिरों में इनको ट्रेन करके पूजा पाठ के काम में लगाया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।